नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट परिवार बैठा धरने पर। करीब 22 दिन से गायब है बेटी, पुलिस पर लगाया पता न लगाने में उचित कार्यवाही में लापरवाही बरतने का आरोप। कैमरे के सामने झलका माँ का दर्द, रो रो कर बताई अपनी बेटी के गुम होने की कहानी। परिवारिक जनों से बातचीत के दौरान पता चला 5 बच्चों का अधेड़ उम्र का व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया इंटर की छात्रा को। पूरा मामला थाना दक्षिण क्षेत्र के हुमायूंपुर सुहाग नगर चौकी से जुड़ा हुआ है। 13 जुलाई को बेटी के गायब होने के बाद मोहल्ले में रहने वाले 5 बच्चों के अधेड़ उम्र के व्यक्ति के नाम थाना दक्षिण में दर्ज कराई गई FIR। परिवारिक जनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि थाने के पुलिस कर्मियों के अलावा उच्च अधिकारियों से भी हम अपनी पुत्री की बरामदगी की गुहार कई बार लगा चुके हैं, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस हमारी बेटी का सुराग लगाने में असफल साबित हुई है। जब हमें कुछ नहीं सूझा तो अपनी पुत्री की बरामदगी के लिए आज हमें सुहाग नगर चौकी के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। वहीं चौकी इंचार्ज सुहाग नगर से बात करने के बाद जानकारी प्राप्त हुई कि लड़की की बरामदगी के लिए प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारी टीम पूरे मामले पर गहनता से नजर बनाए हुए है और 1-2 दिन में हम लड़की को बरामद करने का प्रयास करेंगे। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। मेरा नाम किरण वर्मा है। चौकी के बाहर इसलिए बैठी हूँ, मेरी लड़की चली गई 13 तारीख से और अभी तक नहीं मिली। आजकल कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, मैंने कही नहीं है जहाँ पे, तब बैठी हूँ बाहर। मुझे अपनी लड़की चाहिए, बस 1 महीना हो गया। मैं रहती हूँ इस हंसमानी के पीछे। कितने साल की आपको? 17 साल की। कौन गया लेने? कोई नहीं गया लेने, आजकल कह रहे हैं। कौन लेके गया है? इर्दे सराटर। अब क्या कार्रवाई करेंगे? कार्यवाही कर सब कुछ कर रहे हैं, कुछ लड़की नहीं आ रही है साहब। तो आप धरने पे बैठी हैं, क्या मांग है आपका? हम यहाँ गए, हमारी मांग है पूरी करो, हमें बस लड़की चाहिए, हमें बस जब तक हमारी लड़की नहीं आ जाएगी। हो गए मोड़ी को, आजकल कर देते हैं, क्या तरीका? अभी इनके घर का कोई जाता तो ये लोग बैठे रहते चुपचाप। आप थाने में गए, चौकी में गए? सब कछु गए, ऊंचे मन से गए थे, किसी ने सुनवाई नहीं की हमारी। हम लोग गरीब हैं इसलिए सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या कहा उनने? यही कहा कि आ जाएगी, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, संडे को आ जाएगी, जो कोई तरीका है। अभी इन लोग इनकी लड़की जाती तो नहीं बुलाते थे ये लोग, ये तो चुपचाप बैठे रहते। 13 तारीख की गई है मोड़ी, अभी तक कोई खबर नहीं है उसकी। कब तक बैठे रहेंगे? हम जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारी लड़की नहीं आएगी तब तक बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। बस पैसों की मांग हुई, बस।